हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरनेट कैफे सिमुलेटर की एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। तो पिछले पार्ट में आपने देखा होगा कि अपना जो कैफे है ना, उसमें मैंने बहुत सारे अपग्रेड किए थे और एक जो अपना बैगर है ना, मैंने उसको 3 बिंडे दिए थे। और बैगर की भाई मैं क्या बात बताऊं, बैगर ने वो तीनों के तीनों बिंडे है ना लड़ाई में तोड़ दिए। पता नहीं किसके ऊपर तोड़े होंगे, वो बंदा तो मर ही गया होगा भाई जिसके ऊपर भी उसने वो 3 बिंडे तोड़े थे। ठीक है, आज की गेम प्ले वीडियो में अपना प्लान क्या कि एक बार मैं आपको दिखा दूं। तो अपने पास ये देखो, टोटल अपने पास $28,111 है। आज अपने को इस वीडियो में ना ये पूरे के पूरे रुपये खर्च करने हैं। और एक जो अपनी बीवी है ना, ये बहुत ही ज्यादा नाराज है। और मैं खर्च क्यों कर रहा हूँ सारे के सारे रुपये, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो अपनी बीवी है ना, ये बोलती है यार मेरे को शॉपिंग करा के लाओ, ये करो मकान के लिए, ये लेके आओ, ये लेके आओ। लेकिन मेरे को बेफिजूली में पैसे बर्बाद करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए जो अपनी ये बीवी है ना, बहुत ही ज्यादा नाराज बैठी है। और जो अपना लड़का है ना, वो भी अपने लिए खेलने वेलने के लिए कुछ चीजें मांग रहा है, तो इसको भी मैं अभी के लिए नहीं ला के दूंगा। एक बार तो जो अपनी बीवी है ना, इसके लिए मैं क्या करूं, फर्नीचर अपग्रेड कर देते हैं भाई थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये लो भाई, इसका फर्नीचर अपग्रेड कर दिया, अब ये थोड़ा खुश हो जाएगी। और इसके लिए मैं एक है ना, यहाँ पे फ्रिज में खाना भी खत्म है भाई इसका। तो पहले तो मैं सारा का सारा खाना इसे मैं भर देता हूँ फ्रिज को। क्या हो गया भाई? ठीक है ठीक है, सारा खाना मैं डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने सारा का सारा खाना डाल दिया फ्रिज में। अब जो भी खाएंगे इनको फ्रिज से मिल जाएगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक अपना जो ये बच्चा है ना, ये भी बड़ा हो चुका है, अब मैं इसको भी जॉब पे भेज सकता हूँ। लेकिन भाई छोटे बच्चे को जॉब पे लगाना कानूनी अपराध होता है, तो अभी के लिए मैं इसको नहीं भेजूंगा, वरना पता चले मेरे को कोई पुलिस ही पकड़ के ले जाए। अभी यार अपना इंटरनेट कैफे मस्त चल रहा है, तो अभी बच्चे को भाई ऐसी नौबत नहीं आई है कि मैं बच्चे को जॉब पे भेजूं। ठीक है, मैं बच्चे के लिए कुछ करूंगा, मतलब ये छोटा मोटा काम कर लेगा अपनी दुकान पे, इसके लिए मैं आज कुछ करूंगा। एक बार चलेंगे अपने इंटरनेट कैफे पे। ठीक है, अब मेरी बीवी थोड़ी बहुत खुश हो चुकी है क्योंकि मैंने इसका जो फर्नीचर है ना अपग्रेड कर दिया। लेकिन इसको शॉपिंग वॉपिंग बिल्कुल भी नहीं करा। और भाई ये क्या कर रहा है, अपनी बीवी को नहीं दिखाते। ठीक है जानू भाई, अभी के लिए तेरे को शॉपिंग नहीं कराऊंगा। तो फटाफट भाई दुकान पे चलते हैं, क्योंकि यार शॉपिंग में बेफालतू में ही पैसे खराब होंगे। अगर मैं दुकान में ही कुछ अच्छी अच्छी चीजें खरीदूंगा तो भाई अच्छे अच्छे पैसे आएंगे। और एक बार नीचे चल के पहले तो बैगर से भी बात करेंगे, शायद बैगर की फिर से किसी ना किसी के साथ लड़ाई हो गई। तो चलो भाई पहले तो दुकान खोल लेंगे, उसके बाद बैगर से मिलेंगे, क्योंकि बैगर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी ने हमारी वीडियो पे कमेंट भी कर रखा कि भाई बैगर बहुत ही ज्यादा आपका साथ देगा। तो ये रहा भाई बैगर, टेढ़ा मेढ़ा चलता हुआ कहीं पे भी मिल जाता है हमें। यहाँ पे बैगर भाई रुक जा, एक मिनट बात करनी है तेरे से। क्या हो गया? ड्यूड, देयर इज एन इंटरनेट कैफे ओनर इन दिस सिटी वो डज नॉट लिसन टू माई वर्ड। अच्छा, जो अपने यहाँ पे कोई इंटरनेट कैफे है वो इसकी बात नहीं सुनता। एवरी वन इन दिस सिटी लिसन टू माई वर्ड, और सारे के सारे इसकी बात सुनते हैं, लेकिन वही जो इंटरनेट कैफे का मालिक है ना, वो इसकी बात नहीं सुनता। ठीक है, व्हाट आई एम आस्किंग यू डू, मैं तुमको बता रहा हूँ, दिस इज बगिंग डिवाइस अंडर हिज डेस्क। कोई बगिंग डिवाइस है और वो कोई डेस्क के नीचे है। इट इज लोकेटेड ऑन द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग वेर यू लाइक। शायद जो बिल्डिंग है ना हमारी जिसमें मैं रहता हूँ, उसी के नीचे किसी का इंटरनेट कैफे है और उन्हीं के पास शायद मेरे को जाना पड़ेगा। ये पता नहीं बगिंग डिवाइस लगी हुई है उसके नीचे, वो शायद मेरे को उतार के लानी है, पता नहीं क्या करना है। प्लेस दी बग बिहाइंड द रिवल इंटरनेट कैफे टेबल। शायद मेरे को पहले कैफे को ही ओपन कर लेना चाहिए, उसके बाद मैं इसका ये वाला चीज़ें करूँगा। तो पहले यार कर ही लेते हैं, वरना बैगर नाराज हो जाएगा। और एक मेरे पास जो पुराना सामान पड़ा है ना, जो कि मेरे को बेच के आना सेकेंड हैंड शॉप पे, वो भी मैंने रख रखा है। वैसे ये दो चीज़ ही बेचनी है, ये देखेंगे कितने में बिकेंगी। और हाथ में मैंने बिंडा ले लिया, क्या पता जो कैफे का मालिक है ना वो भड़क जाए और मेरे को मारने लग जाए। तो मैंने पहले से ही अपना इंतजाम कर लिया है। फटाफट सेकंड फ्लोर पे चलते हैं और देखते हैं भाई क्या करना है मेरे को वहां पे जाके। बगिंग डिवाइस लगानी है या फिर उतार के लानी है ये नहीं पता। ठीक है फटाफट चलते हैं, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और ये बंदा हर टाइम सिगरेट ही पीता रहता है, पता नहीं क्या चक्कर है। यहाँ पे चलना है ए टू पुट द लिसनिंग डिवाइस। अच्छा, हमें यहाँ पे कोई लिसनिंग डिवाइस लगानी पड़ेगी ताकि हम इसकी बात सुन सकें। ठीक है, यहाँ पे ई दबाते हैं, टाक टू बैगर। ये लो भाई, हमने डिवाइस तो लगा दी इसके डेस्क के नीचे, ताकि जो भी ये हमारे खिलाफ बात करेगा ना, वो सारी की सारी हम सुन सकें। ठीक है, फटाफट बैगर के पास चलते हैं। लेकिन बैगर के पास जाने से पहले मैं जो अपना पुराना आइटम है ना, वो भी इसको बेच देता हूँ। तो वो कैसे बिकेगा, यहाँ पे रखते हैं और इसके ऊपर जाके बेच दिया शायद मैंने। नहीं नहीं यहाँ पे रख दिया, इसको बेचना है। कैसे बिकेगा भाई, ई टू सेल। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये देखो दो लैंप बेचने हैं, तो ये हमने $58 में बिक रहे हैं। ये लो भाई बेच दिया मैंने पुराना कचरा, जो अपनी पुरानी लाइटें लगी हुई थी ना अपने कैफे में, वो मैंने बेच दी है। और यहाँ पे कितना ज्यादा तेज डीजे चलता भाई का है, बैगर मेरे को सामने ही दिख चुका है। और यहाँ पे चोर भी है, लेकिन इसके थोबड़े को क्या हो गया भाई, देखना यार इसकी नाड़ तोड़ दी गया किसी ने, देखना भाई पतक की तरह लग रहा है।
ओ भाई हेलो, ओ भाई ये क्या बग है इस गेम में। देखना भाई इसकी गर्दन को क्या हो गया। ये ले साले, अब तेरी गर्दन ठीक हो जाएगी अगले जन्म में। तो बैकर से बात करते हैं। थैंक्स ए लॉट मेट्स द लिटिल गिफ्ट फॉर यू। ठीक है भाई, इसने शायद मेरे को $400 दे दिए इस काम के लिए। ठीक है बैकर भाई, थैंक यू। ये शायद हमारी मदद नहीं करेगा, हमको पैसे वगैरह का जुगाड़ भी करता रहेगा। तो फटाफट अपन अपने कैफे को खोल लेते हैं, और यहाँ पे कैफे को मैं ओपन भी कर दूंगा जल्दी से। ठीक है, लाइट मैंने ऑन कर दी और अपना कैफे भी ऑन होने ही वाला है। पहले तो पीसी ऑन होगा, उसके बाद मैं कैफे को भी ऑन कर दूंगा। यहाँ से कैफे को ऑन कर देते हैं, और अभी हमारे पास बंदे आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि अपने कैफे में कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। एक काम करते हैं, अपने पास शायद यार बिल भी आ रखा है, पता नहीं किस चीज का है, तो एक बार मैं बिल देख लेता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल आया भाई, देखना कितनी ज्यादा सस्ती लाइट है। हमारी दुकान पे इतने सारे गेमिंग पीसी चलते हैं, और बिल आया भाई $7। क्या बिल है भाई, बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर ही है। ठीक है, यहाँ से मैंने कोई अकार्डे मशीन यूज करने वाला शायद, क्योंकि अकार्डे मशीन वालों के पैसे है ना पहले कटते हैं, तो एक बार देखते हैं। हाँ भाई ये देखो, अकार्डे मशीन को यूज कर रही है ये लेडी। मैंने इंटरनेट कैफे ऐसे ही खोल दिया भाई बेफालतू में, अगर मैं कैफे खोल लूंगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। एक मिनट भाई, इनको अप्रूव करके और यहाँ से है ना कैफे को दोबारा से बंद कर देती है। और वो देखना, वो वाली लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होके गई है। चोर कैसे आ गया भाई, तेरी ऐसी की तैसी साले, दुकान खोलते ही चोर। चलो निकलो निकलो निकलो। अच्छा पैसे दे रही है, ठीक है ला भाई पैसे दे और निकल ले यहाँ पे। ये लेडी देखना भाई, पैसे बिना दे के और यहीं पे खड़ी है। बच गई, बाकी तुम्हारा भाई मस्त फाइट सीख चुका है भाई साहब तेरी। एक मिनट रुक जा, एक मिनट भाई, एक मिनट, अब आ जा ये ले साले। ठीक है अब है ना, एक काम करते हैं, अपना चैलेंज क्या था, मैं चैलेंज तो भूल ही गया। तो अपना चैलेंज था जो अपने पास $27,613 है, वो सारे के सारे यूज करने अपने को एक वीडियो में। अब फटाफट यूज कैसे करूं भाई, पहले तो मैं देख लेता हूँ अपनी दुकान के लिए क्या क्या चीजें खरीदूं। तो एक बार दुकान को है ना बंद करना पड़ेगा, वरना यहाँ पे चोर आएगा और हमारा सामान उठा के ले जाएगा। आज पता नहीं मेरे बंदे को क्या हो गया, बार बार उंगली क्यों दिखा रहा भाई। शायद ये राइट, हाँ भाई ये राइट क्लिक से ये वाले गंदे काम करता है। ठीक है अब अपने को राइट क्लिक नहीं दबाना, और अब फटाफट है ना जो अपना पैसा है ना उसको यूज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें है ना माई कैफे पे जाना है। माई कैफे के अंदर आते ही हमें यहाँ पे मिल जाता है हॉट डॉग कार्ट, और आज हमें ना अपनी दुकान के सामने एक हॉट डॉग की दुकान भी खोलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग है ना फास्ट फूड भी बहुत खाते हैं। वैसे तो यहाँ पे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस है लोग, लेकिन हॉट डॉग ये वाली चीजें भी खाते हैं भाई, खाते हैं गेम में तो खाते हैं। ठीक है यहाँ से मैं बाय कर देता हूँ। और एक मैंने अपने घर पे ही बोला था कि मैं लड़के के लिए कुछ ना कुछ करूंगा, तो अपना जो लड़का है ना वो भी यहाँ पे कुछ काम वगैरह करा दिया करेगा, क्योंकि जो ये फास्ट फूड वाली दुकान होती है ना इसमें कुछ सब्जियां वगैरह भी लानी पड़ती है। मेरे को है ना सब्जियां वगैरह लाने के लिए मार्केट में नहीं जाना पड़ेगा, मेरा जो छोटे वाला लड़का है ना, छोटा क्या भाई एक ही लड़का है अभी तो हमारे पास, वो ला के दे देगा इसको सारा का सारा सामान, और ये यहाँ पे आराम से है ना हॉट डॉग बना बना के यहाँ पे लोगों को खिलाता रहेगा, और अपने पास पैसा बनता रहेगा अंधाधुंध बिना कुछ करे ही। तो यहाँ पे एक बार देखते हैं, अभी के लिए कैश रजिस्टर में 0 अमाउंट है। अभी थोड़ी देर में लोगों को डॉग वगैरह खिलाएगा ना, तो यहाँ से हम पैसा वगैरह कलेक्ट कर लेंगे। और ये बंदा देखना भाई, अगर इसके दाढ़ी नहीं होती ना बिल्कुल ये लड़की लगता, देखना बिल्कुल लड़कियों जैसा है। ठीक है अब फटाफट है ना हम पैसा यूज करते हैं। ठीक है और मैंने है ना ₹1,000 तो यहाँ पे लगा दिए हैं, तो एक काम करते हैं अब अपनी दुकान को बंद करके मैं माइनिंग रिग भी ले आता हूँ भाई। चलो यहाँ से बंद करते हैं, क्योंकि अपने को है ना सारा का सारा पैसा खर्च करना चाहिए हम कैसे भी करें। तो एक बार यहाँ पे माइनिंग रिग वाले के पास चलते हैं, वाला नहीं भाई वाली है ये माइनिंग रिग वाली। यहाँ से हमें ग्राफिक कार्ड खरीदने हैं, लेकिन उससे पहले मैं ग्राफिक कार्ड को लगाऊंगा किस चीज में, शायद मेरे को ये वाली रिग भी खरीदनी पड़ेगी। ठीक है ये वाली खरीद ली, अब फटाफट इसको बैग पैक में रख लेते हैं, और यहाँ से मैं काफी सारे मस्त मस्त ग्राफिक कार्ड भी खरीद लेता हूँ। शायद मैं एक बार में 5 ही खरीद पाऊंगा, तो एक बार देखते हैं। पहले तो इनको ना सारे के सारों को मैं बैग पैक के अंदर रख लेता हूँ। चलो भाई यहाँ से मैंने सारा सारा सामान उठा के यहाँ पे रख लिया, एक माइनिंग रिग हो गई और 5 हमारे पास ग्राफिक कार्ड हो गए, वो भी 12 12 GB के 3019 वाले। बहुत ही अंधाधुंध पैसा हमारे पास छपने वाला है अभी थोड़ी देर में। और यहाँ से मैं क्या ये वाली मशीन भी खरीद सकता हूँ, ये भी शायद माइनिंग करने के लिए ही होगी, तो ये भी मैं खरीद के देखता हूँ, खरीद सकता हूँ भाई। ये तीनों खरीद ली मैंने, इन तीनों को भी फटाफट बैग पैक के अंदर रख लेते हैं। वैसे भी हमारे बैग पैक के अंदर 3 ही जगह बची हुई थी, अभी 2 बची हैं, तो 2 यहाँ पे हमारे पास मशीन है, यहाँ पे इनको रख लेते हैं। और यहाँ पे इतना तेज डीजे बज रहा है ना मैं क्या बताऊँ। ठीक है यहाँ से मैंने सारी की सारी चीजें खरीद ली, और इस बंदे की देखना भाई दुकान ही खाली हो गई। ये वाली भी खरीद सकता हूँ क्या मैं, नहीं ये वाली नहीं खरीद सकता। इसको मैं बोल देता हूँ एडवांस में ही कि मेरे लिए ना और भी ज्यादा माइनिंग रिग खरीद के रखना, और ग्राफिक कार्ड भी तगड़े तगड़े, ताकि मैं यहाँ से और भी ज्यादा ग्राफिक कार्ड लेके जाऊँ।
तो यहाँ पे इस दुकान में सिस्टम क्या होता है कि पहले हमें ऑर्डर देना पड़ता है, तो मैंने इसको है ना इस लैपटॉप के जरिए ऑर्डर दे दिया। अभी मेरे लिए माइनिंग रिग और ग्राफिक कार्ड मंगवा देगी, तो एक बार तो चलते है भाई, कान फट गए। यहाँ पे इतना तेज डीजे बजता है ना, अपनी दुकान कहाँ पे गई, भूल ही गया मैं तो, वो रही ठीक है। और पहले हम दुकान खोलने से पहले शुभ मुहूर्त कर लेते हैं, फटाफट दुकान खोलते हैं और जो अपनी माइनिंग रिग है ना इनको फटाफट देखते हैं कहाँ पे लगाएंगे। वैसे दुकान छोटी हो गई और चीजें हमारे पास बहुत ज्यादा हो गई है, गंदगी किसने गिरा दी भाई यहाँ पे, और अपनी लाइट भी कैसे गिर गई, शायद यहाँ पे भूकंप वगैरह आया है क्या। यहाँ पे लगाते हैं लाइट को, चलो ठीक है। और यहाँ से हम थोड़ा बहुत सफाई कर देते हैं क्योंकि मेरे को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और गंदगी भाई पसंद वैसे होती भी किसको है ठीक है। यहाँ से ये वाला हटा देते हैं, और ये सिगरेट तो भाई मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हम लोग हुक्का पीते हैं भाई, हुक्का लवर है ठीक है। इसको यहाँ पे रखते हैं, और अब भाई ये कैसे रह गया, फिर से उठाना पड़ेगा अपना झाड़ू, और यहाँ से भी गायब कर देते हैं, यहाँ पे भी गिरा हुआ है भाई। थोड़ी देर में ही बंदे भाई थोड़ी देर में ही गंदगी गिरा देते हैं, दोबारा से शुभ मुहूर्त कर दिया ठीक है। अब मैं जो अपनी माइनिंग रिग लेके आया ना उनको फटाफट लगा देते हैं, और एक काम करते हैं पहले तो मैं पैसे देख लेता हूँ, अभी भी हमारे पास $19,000 बचे हुए हैं, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ से है ना ऑर्डर दे देते हैं बहुत ही मस्त गेमिंग पीसी का ठीक है। यहाँ पे चलते हैं क्योंकि अपने को सारा का सारा पैसा आज है ना बर्बाद नहीं कह सकते भाई, मतलब यूज करना बहुत ही अच्छे कामों के लिए ठीक है। यहाँ से हमें कंप्यूटर केस खरीदना है, और ये वाले खरीदते हैं भाई साहब। भाई दुकान मैंने खोल दी क्या, बंदा कैसे आ गया अंदर, शायद दुकान मैंने ओपन कैसे कर दी भाई, दुकान बंद करनी पड़ेगी। एक बार मैं ये सारे के सारे ऑर्डर कर देता हूँ, और क्या ले मैं, या फिर अपनी दुकान ही बढ़ा ले हम, क्या करें ठीक है। पहले तो एक गेमिंग पीसी खरीद लेते हैं, ये वाली चेयर लेनी है अपने को, कीबोर्ड लेना मस्त वाला वाइट वाला ठीक है, और क्या लेना है, मॉनिटर लेना बहुत ही मस्त तगड़े वाला, और माउस भी बहुत ही तगड़े वाला लेंगे हम ठीक है। और अपने को डेस्क लेना है बहुत ही मस्त वाला डेस्क, बाकी भाई एक मस्त सा डेस्क था तो यहाँ पे ये वाला मस्त है, वैसे सस्ता भी है और मस्त भी है ठीक है। और क्या ले हम, और तो कुछ नहीं है लेने के लिए, यहाँ पे चल के इन चीजों का हम ऑर्डर कर देते हैं। ये लो भाई, जब तक हमारी ये चीजें आएंगी ना, जब तक मैं अपनी जो माइनिंग रिग है ना उसको लगा लेता हूँ, और यहाँ से कैफे को है ना बंद कर लेता हूँ, ताकि भाई चोर उचक्के अंदर ना आ सके और काम के बीच में अड़चन ना हो। तो यहाँ से बंद करते हैं दुकान, और ये बंदे दुकान बंद से निकल जाएंगे क्या, पैसे तो दे दो भाई, चलो निकल गए कोई बात नहीं, गेम है भाई, गेम में ऐसा होता है जादू होते रहती है, देखना इसके शटर के अंदर से ही निकल गए, और जो दुकान का मालिक है ना वो देखना वो निकल ही नहीं सकता यार, कमाल है ठीक है। अब जो अपनी माइनिंग रिग है ना उसको लगा लेते हैं, तो सबसे पहले तो अपने को माइनिंग रिग कहाँ पे रखूँ, मैं यहीं पर रख देता हूँ कंप्यूटर के पास में, या फिर मैं यहाँ पे रखूँ, क्योंकि जो मैंने गेमिंग पीसी मंगवाया है ना वो चलो बीच में ही रख देते हैं भाई, वो इस साइड लगा दूंगा मैं। भाई दुकान के अंदर कैसे आ रहे हो भाई, क्लोज है कैफे, ये क्या लैग है भाई, देखना यार कैफे क्लोज है फिर भी आ रहे हैं बंदे। चलो आते रहो भाई, आते रहो, यहाँ पे है ना जो अपनी माइनिंग रिग है ना उसका काम कर लेते हैं फटाफट, और भाई रुक जा यार क्या हो गया ठीक है, फटाफट जो सारे के सारे ग्राफिक कार्ड है ना वो इसके अंदर मैं बैठा देता हूँ। ये लो भाई एक ग्राफिक कार्ड लग गया, और जो अपने पांचों के पांचों ग्राफिक कार्ड है ना वो इसके अंदर मैं लगा देता हूँ। पता नहीं इसे एक माइनिंग रिग के अंदर कितने ग्राफिक कार्ड लगेंगे, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, तो एक बार है ना सारे के सारे ग्राफिक कार्ड मैं लगा लेता हूँ। सारे ग्राफिक कार्ड तो मैंने लगा दिए, शायद इसके अंदर है ना 6 ग्राफिक कार्ड हम लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ग्राफिक कार्ड की और जगह बच गई। चलो हमने ग्राफिक कार्ड तो लगा दिया, अब जो मैं BTC माइनर लेके आया था ना, ये BTC माइनर नाम ही है शायद इसका, इनको भी मैं यहाँ पे है ना लगा देता हूँ, एक यहाँ पे लगा दी ठीक है, तीनों मैं पास में ही लगाऊंगा ताकि इनके तार वगैरह आराम से कनेक्ट हो सके। एक यहाँ पे लगा देते हैं, और एक जो लास्ट वाली है ना इसको भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब ऑन करना है, इनको ऑन कैसे होगी भाई, किसी को पता है क्या। ठीक है यहाँ से हमें ऑन करनी पड़ेगी, द कोड इंटर्ड वॉज नॉट फाउंड, भाई इसका कोड कहाँ से मिलेगा। और अभी के लिए हमारे पास है ना 251 मेगा की स्पीड आएगी माइनिंग रिग से, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा है शुरुआत में, तो शायद मेरे को कुछ करना पड़ेगा भाई, इसका कोड कहाँ से लेके आऊँ, यहाँ पे जाके देखते हैं ऐप वगैरह है शायद माइनिंग की
है क्या भाई है? हाँ भाई ये रही, मेरे को है ना माइनिंग करने के लिए यहाँ से एक माइनर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड लगा दिया, अभी थोड़ी देर में ही डाउनलोड हो जाएगा। शायद इसी के अंदर से हमें कोई कोड वगैरह मिलेगा और वो अपने को माइनिंग रिग में डालना पड़ेगा, तभी हमारी माइनिंग रिग चल पाएगी। ठीक है, जब तक हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है ना माइनर वाली, जब तक मैं जो अपना गेमिंग पीसी है ना इसको भी लगा देता हूँ। पहले तो सारी चीजें मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। चलो अपना यहाँ पे गेमिंग पीसी लग गया और यहाँ पे मैंने माइनिंग रिग लगाई थी। एक बार जो अपना मेन पीसी है ना यहाँ पे जाके जो मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया वो देख लेता हूँ। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है, तो मैं एप्लीकेशन के ऊपर जाता हूँ। एवरेज माइनिंग अभी के लिए तो 0 MHz की स्पीड आ रही है। यहाँ पे हमें कोड 10 MHz की आ गई क्या भाई? हमें कोड कहाँ पे मिलेगा देखते हैं भाई। टारगेट अभी के लिए तो 0 MHz की स्पीड ही है भाई। आग कैसे लग गई? आग लग गई भाई, आग लग गई। ओ भाई, और मेरे पास शायद ये भी बहुत ही कम बचा हुआ है, शायद काम बढ़ भाई। खत्म कैसे हो गया ये? ओ भाई शायद मेरे को एसी, अरे भाई रुक जा यार, एसी ऑन करनी है मेरे को भाई। ये पीसी तो गया मेरा, देख लेना चाहिए आप, क्योंकि मेरे पास ये वाला जो फायर वाला सिस्टम है ना ये बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। देयर इज नो वाटर लेफ्ट दिस स्प्रे। ओ भाई इसको उठा नहीं सकते क्या हम? भाई मेरा पीसी गया यार, क्या मैं ये वाला स्प्रे मार सकता हूँ? देखते हैं, क्या पता बात बन जाए। ठीक है भाई, आग नहीं बुझ रही यार, क्या करें? इस एसी को एक बार यहाँ से उतार के एक बार बिल्कुल इसके सामने रख देते हैं और इसको है ना स्टार्ट कर देते हैं। ये लो भाई, अब शायद हमारी आग बुझ जाए, या फिर मैं दुकान पे जाके फटाफट ले आता हूँ वो वाली चीज़। चलो भाई एक बार मैं लेके आता हूँ, क्या पता हमारी आग बुझ जाए और हमारा पीसी बच। आग ही बुझ गई भाई शायद, नहीं नहीं लगी हुई है अभी भी भाई। सेकंड हैंड शॉप कहाँ पे है? जल्दी से मेरे को स्प्रे चाहिए। स्प्रे नहीं भाई, आग बुझाने वाला क्या होता है, ये वाली चीज चाहिए। अभी भी हमारा पीसी जल रहा है, बहुत ही तगड़ा पीसी है हमारा, अभी तक जल रहा था लेकिन मैंने ही देरी कर दी। हमारा पीसी यहाँ से खत्म हो चुका है। आगे से भाई ये वाली चीजें अपने को है ना सारी की सारी रखनी होंगी। अगर ये वाली चीज हमारे पास होती ना तो हम आज आग बुझा पाते और हमारा पीसी खत्म हो गया यहाँ से। शायद मेरे पास एक और पीसी पड़ा हुआ है बहुत ही मस्त वाला, इस पीसी को भी मैं यहाँ पे है ना लगा देता हूँ। ये लो भाई, हमारा दोबारा से ये वाला सेटअप स्टार्ट हो गया। और एक भाई रात हो गई, मैंने अभी तक लाइट ऑन ही नहीं की। ठीक है, अब जाके दोबारा से इसको संभाल के देखते हैं। अभी भी भाई 0 MHz इसकी स्पीड कैसे आ रही है? शायद ये वाला कोड लगाना पड़ेगा क्या? NOZZEY, शायद यही लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे कोड लगा के देखते हैं, NOZZEY। ठीक है, अब ऑन करके देखते हैं। ओ भाई हमारी माइनिंग रिग चल पड़ी। ओ भाई अब आने वाला बहुत ही मस्त पैसा। आप देखते हैं हमारे पास कितने मेगा इसकी स्पीड है। तो यही वाला पासवर्ड था भाई, NOZZEY, नोजी दी कोड दैट कैन बी यूज्ड फॉर माइनिंग। ठीक है, ये मैंने लगा दिया और अभी के लिए भी 0 MHz इसकी स्पीड। नहीं नहीं ये देखो 251 MHz इसकी स्पीड आ चुकी है, अब हमारे पास पैसा ही पैसा छपने वाला है। तो चलो भाई हमारे पास एक नया गेमिंग पीसी भी हो गया और यहाँ पे हमने माइनिंग रिग वगैरह भी अपने कैफे पे स्टार्ट कर दी। अब जो मेरे पास बचे हुए हैं 12,000 रुपये, इनका क्या करूँगा मैं? तो यहाँ पे जाके देखते हैं हम दुकान के लिए और क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं। तो माई कैफे पे चल के एक बार यहाँ से भी हम ऑटोमेटिक डोर लगा सकते हैं, एक अपनी दुकान के ऊपर हम टिप बॉक्स रख सकते हैं और एक स्पीकर लगा सकते हैं और ये बड़े वाले स्पीकर भी लगा सकते हैं और ये प्रीमियम स्पीकर सिस्टम भी लगा सकते हैं। और क्या लगाऊं? और एक भाई मैं फायर डिटेक्टर लगा सकता हूँ। बार बार मेरे को वो वाली चीज़ें लेके नहीं आनी पड़ेंगी, मतलब कि ऑटोमेटिक अपनी आग है ना बुझ जाएगी। तो यहाँ पे लगा दिया, एक ये वाली लगा देते हैं। और क्या खरीदूं भाई मैं, और क्या खरीदूं? अपने पास बहुत सारा पैसा बचा हुआ है, टॉयलेट खरीद लेते हैं। टॉयलेट मैं नहीं खरीद सकता, सबसे पहले हमें ना किचन खरीदना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से मैंने किचन खरीद लिया और यहाँ से भाई टॉयलेट भी हम खरीद लेते हैं। और एक बार मैं उठ के देख लेता हूँ हमारी दुकान, देखना भाई कितनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। यहाँ पे किचन और बाथरूम की जगह भी आ चुकी है। ठीक है, अंदर चलते हैं। और अंदर चलते ही भाई ये क्या क्या घटिया सा बाथरूम दिया है, मैं देखना यार कांच टूटा हुआ है इसका। ये डोर वगैरह भी हम ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे टॉयलेट वगैरह लगी हुई है। और इसके नीचे से देखना यार कितना गंदा टॉयलेट है ये। ठीक है, इसको एक बार बंद करते हैं और देखते हैं हमारी दुकान पे क्या क्या नया आ गया है। तो यहाँ पे अपने स्पीकर आ गए हैं। ओ भाई ये क्या है भाई, क्या है ये डोर किस लिए लगाई है भाई? ऑटोमेटिक वाली, बंदे चल रहे हैं भाई आराम से उड़ा के ले जा रहे हैं सामान को। ये लो भाई,
दिन ही खराब है, क्या करें। एक काम भी तो कर सकते हैं भाई, ये तो अच्छा आइडिया आ गया मेरे पास। हम अपनी दुकान वगैरह पे गार्ड वगैरह भी तो खड़े कर सकते हैं ना, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन मेरे को आइडिया भी तो मस्त लग गया है ना। चलो अपनी चीज तो भाई बिखरी और टूटी कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को आइडिया मस्त मिल गया कि मैं अपनी दुकान के लिए गार्ड वगैरह लगा सकता हूँ, ताकि जो ये चोर और स्क्विड गेम वाले बंदे हैं ना, ये अंदर ना आ सके। शायद मेरी वीडियो आज भाई पैसे के चक्कर में, पैसे बरतने के चक्कर में बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो क्या करे भाई, एक बार देख लेता हूँ मैं। शायद वीडियो का एंड कर देना चाहिए, हम अगली वीडियो में ही खड़े करेंगे गार्ड वगैरह। वैसे भी मैंने जो चैलेंज कहा था ना, उसमें अब कोई ज्यादा फर्क नहीं रह गया, बस 3,000 रुपए ही बचे हुए हैं। तो यार आज की गेम प्ले वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट जरूर कर देना। बाय।